एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन किचन। इंडियन किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं शिमला मिर्च आलू की सब्जी, जो खाने में बहुत टेस्टी होती है और जल्दी जल्दी से बन जाती है। हम इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर मैंने छोटा प्याज को कट कर लिया है, हरी मिर्ची को लंबा काट लिया है और बेसिक मसाले लिए हैं जो हम रूटीन में यूज करते हैं। तो चलो हम इसको तड़का लगाते हैं। यहाँ पर हमने पैन में तेल लिया है, तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। सबसे पहले इसमें राई के या सरसों के दाने डालेंगे, थोड़ा सा मेथी दाना, कटी हुई फ्रेश मिर्च, अब इसमें कटा हुआ प्याज डाल देंगे और इसको 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। यहाँ पर प्याज को पकते हुए 1-1.5 मिनट हो चुका है। अब इसमें क्रश की हुई अदरक डालेंगे और अच्छे से इसको पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन अदरक का खत्म हो जाए और प्याज में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अब इसमें हम सूखे मसाले डाल लेते हैं, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, रंग वाली लाल मिर्च, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा पाव भाजी मसाला। तो अच्छे से प्याज के साथ मिक्स कर लेते हैं और जो हमने सब्जी काट कर रखी है शिमला मिर्च आलू की, वो भी साथ में ही डाल देंगे और अच्छे से मसालों को सब्जी में मिक्स कर लेंगे। मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसको ढककर धीमी आंच पर 10 से 12 मिनट तक पकने देते हैं। धीमी आंच पर पकेगी सब्जी, अच्छे से मसालों में कोट हो जाएगी और सब्जी अच्छे से पक जाएगी। तो देखिए हमारी शिमला मिर्च और आलू की सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है और ये सब्जी बहुत ही मिनटों में और बहुत टेस्टी बनी है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना, परांठों के साथ, पूड़ी के साथ ये सब्जी खाने में अच्छी लगती है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताना। अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।